हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसी के मेरिट्स के बारे में, मीन्स आरसीसी के एडवांटेज के बारे में और आरसीसी के डिसएडवांटेज के बारे में। और उसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे कि क्रीप है वो होती क्यों है, श्रिंकेज जो होती क्यों है, इसके बारे में फुल डिस्कशन होने वाला है एक पीपीटी के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको आरसीसी के मेरिट्स, डिमेरिट्स और साथ ही साथ उनके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ होते क्या है, श्रिंकेज क्या होता है, क्रीप क्या होता है, पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, बट आज की वीडियो में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मेरिट्स के बारे में, मेरिट्स ऑफ आरसीसी और एनफोर्स कंक्रीट। सबसे पहला तो आप सबको पता है, गुड बाइंडिंग बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। देर इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। तो आप किसी भी इंटरव्यू बोल सकते हैं, गुड बॉन्डिंग बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। सेकेंड इज स्टेबल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें क्या रहता है, काफी दिन तक स्टेबल, मीन्स उसकी अच्छी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है। लेस चांस ऑफ बकलिंग, क्योंकि उसके अंदर हम स्टील यूज कर रहे हैं, तो स्टील यूज कर रहे हैं तो डक्टाइल हो गया है, तो उसका जो बकलिंग का चांस है वो कम हो गया। तो कंक्रीट मेंबर आर नॉट स्लिम लाइक स्टील मेंबर्स, सो चांस ऑफ बकलिंग और मच लेस। तो ये एक फायदा हो जाता है। और उसके साथ सबसे बड़ा फायदा, दैट इज एस्थेटिक। कंक्रीट स्ट्रक्चर आर एस्थेटिकल गुड एंड क्लैडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको इस थोड़ा देखने में, आपने भी देखा होगा कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपेयर टू स्टील स्ट्रक्चर। लेसर चांस ऑफ रस्टिंग, स्टील रेनफोर्समेंट इज इंक्लोज्ड इन कंक्रीट, सो चांस ऑफ रस्टिंग इज आर रिड्यूस्ड। अगर बाहर रहता है ये, अगर आपका स्टील बाहर रहता और दिखता रहता, तो इन्वायरमेंट के साथ उसमें पानी जाता और उसके साथ विंड का प्रेशर पड़ता, तो जल्दी जल्दी खराब हो सकता था। बट ये अंदर रहता है स्टील कंक्रीट के, इसलिए इसका जो रस्टिंग, मतलब कि यहाँ पे रस्टिंग का प्रॉब्लम है, वो बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे आपको अब देखना चाहिए शॉर्ट रेनफोर्समेंट कंक्रीट कंप्रेशन, मीन्स अगर आपके पास आपने देखा होगा स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग, आपने सुना होगा कि टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, उसमें क्या पड़ा होगा आपने, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। बट सिलेंडरनेस डज नॉट नीड टू बी कंसिडर्ड, कॉलम विल नॉट बकल, ओनली एक्सियल लोड इम्पॉर्टेंट है, क्या लोड कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए आपको देखना चाहिए कि हमने लेंथ कितना दिया है, प्रेशर कितना है हमारे पास, और उसके साथ ही साथ इसका एरिया ऑफ स्टील कितना है, एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है, टोटल एरिया कितना है। अगर हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील 0.826% है, तो कभी भी कॉलम फेल नहीं होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, जब एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट आप निकाल पाएंगे। इसके साथ होता है रेनफोर्स कंक्रीट कैसे लोड ट्रांसफर करता है। रेनफोर्स सबसे पहले लोड यहाँ से स्टार्ट करता है, मीन्स वॉट एवर लोड यू हैव, उसको रूफ के सरफेस पे आप लोग ऐड करते हो, रूफ के सरफेस से रूफ के स्लैब पे जाता है, और स्लैब से बीम पे जाता है, और बीम से कॉलम पे जाता है, और कॉलम से फाउंडेशन, और फाउंडेशन से सब सॉइल यानी आपके अर्थ पे चला जाता है। इस तरीके से लोड ट्रांसफर करता है आरसीसी। इसके बाद डिज़ाइन लोड्स, अब कौन कौन से लोड आते हैं डिज़ाइन लोड के लिए, आपको पता है डेड लोड। डेड लोड के लिए आईएस कोड कौन सा यूज़ करते हो, IS 875-1987 Part 1, राइट। तो डेड लोड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, डेड लोड मीन्स सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। अदरवाइज अगर कोई सुपर इम्पोस्ट लोड, एक्स्ट्रा लोड आया है, वो भी उसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद होता है लाइव लोड, जिसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हो, IS 875 Part 2। और लाइव लोड इज कंसिस्ट चीफली ऑफ एक्यूपेंसी लोड्स इन बिल्डिंग्स एंड ट्रैफिक लोड्स ऑन द ब्रिजेस, जो हम लोग का डेली हम लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज लाइव लोड, मीन्स मूवेबल लोड इज कॉल्ड लाइव लोड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिज़ाइनर्स, मीन्स डिज़ाइन जब करते हो तो क्या हम लोग माइंड में रखते हैं, माइंड में रखते हैं सबसे पहला सेफ्टी एंड दूसरा इकोनॉमी, बिकॉज एवरीवन नो लाइक बहुत अच्छा मटेरियल दे दोगे तो सेफ्टी तो हो जाएगी, बट इकोनॉमी भी तो ज़रूरी है। तो सेफ्टी पे पहला फोकस होता है, उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है इकोनॉमी पे। इन दोनों को समझने के बाद ही आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद होता है लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों, लोड कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि
आप अलग अलग लोड, जैसे कि 1.2 डेड लोड एंड 1.6 डेड लोड, तो अलग अलग लोड हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैक्सिमम लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर मैक्सिमम के लिए आपका स्ट्रक्चर पास है तो मिनिमम के लिए तो पास रहेगा ही रहेगा, ऐसा लाइक लोड कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं। इसके बाद श्रिंकेज, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, श्रिंकेज इज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, अदरवाइज यू कैन से चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी आप बोले तो भी सही है। श्रिंकेज क्या होगा, आपने देखा होगा अपने घरों के वॉल्स में क्रैक्स आ गए होंगे, स्लैब में क्रैक्स आ गए होंगे, तो वो जो क्रैक्स हैं दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज। तो ये श्रिंकेज आप सबके घरों में आता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग उसके लिए, अभी तो लाइक कई ढेर सारी एडमिक्सचर कंपनियां हैं वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंडिया में इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। देखिए श्रिंकेज आता कैसे है, श्रिंकेज समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अभी देखिए बारिश का मौसम आता है, उसके बाद क्या आता है कि आपको अगर ठंडी का मौसम आया या गर्मी का मौसम आया, तो गर्मी के मौसम में मटेरियल क्या होता है, क्रैक्स होने लगते हैं, और उसके बाद आपके पास तुरंत जैसे पानी का लाइक बारिश का सीजन आता है तो उसके अंदर वाटर एंटर कर जाता है और फिर वो और ज़्यादा क्रैक्स को बढ़ा देता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो श्रिंकेज का फॉर्म ले लेता है और उससे क्या होता है बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसके बाद होता है क्रीप, क्रीप इज व्हाट, क्रीप इज व्हाट, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रीप। आपने देखा होगा ब्रिज वगैरह है, अगर बड़े बड़े स्पैन है वो क्या होते हैं, वो पूरे के पूरे एक साथ बीच में देखिएगा बेंड हो जाते हैं, और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द सेंस कि अब वो ठीक नहीं हो सकते। वो हो क्यों रहा है, वो हो इसलिए रहा है क्योंकि आपने जो एज ऑफ लोडिंग है वो कम नहीं किया, मीन्स अगर ब्रिज का एज बढ़ रहा है तो अगर आपको लोड नहीं कम कर रहे हो, लोड उतना ही लगा रहे हो, तो ऑफकोर्स उसके बाद स्ट्रेंथ की कमी आ रही है, उसकी वजह से आपको स्ट्रक्चर में क्रीपिंग हो जाती है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक आरसीसी। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप सा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और साथ ही साथ क्या आप चाहते हैं स्टील का भी ये ऐसा ही सेक्शन रखा जाए, और भी कोई अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर स्टडी कर रहे हो तो क्वेश्चन तो ज़रूर होता होगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और इंटरव्यू में वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर आप यहाँ पे ही यूट्यूब पे ही कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मेरे, जरूर एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो क्वेश्चन आप वहाँ पे गए और आपको समझ में नहीं आया। उसका फायदा ये होगा कि जब आप क्वेश्चन बताएंगे तो मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा चैनल पे, और क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा तो आप जब नेक्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू में जाओगे या कोई और जाएगा तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अभी सोचा है कि अगर आप जो भी क्वेश्चन देंगे उसको मैं सॉल्व करूंगा। एक दो लोगों ने दिया है अभी स्लैब के बारे में, मुझे भी थोड़ा सा समय जैसे ही मिलता है तुरंत मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और आपसे भी यही उम्मीद है कि जैसे ही आप इंटरव्यू जाते हो कोई भी टफ क्वेश्चन वो पूछते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, और उसके बाद तुरंत हम उसका वीडियो 1-2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर ला के आप तक पहुंचा देंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।